लाहौर न्यूज़ एक बार फिर आवाम की आवाज़ बन गया। मछली मंडी में सफाई का मामला उठाया तो हुक्काम को होश आया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक शहर की 70 साल पुरानी फिश मार्केट पहुंचे। जल्द मछली मंडी को किसी और मकाम पर मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 119 दुकानों की मुंतकली का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया, 3 दिन में हतमी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को भिजवा देंगे। डीसी लाहौर का सर्विसेज अस्पताल का भी अचानक दौरा, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। फार्मेसी पर दस्तयाब अद्वियात का ऑडिट करवाने का भी हुक्म दे दिया। गैर कानूनी केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ पैमरा का एक्शन जारी। रीजनल ऑफिस में गैर कानूनी सैटेलाइट और दीगर आलात तल्फ करने की तकरीर। रोड रोलर चलाकर पकड़ा गया सामान तोड़कर जाया कर दिया गया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग कहते हैं इस साल पाकिस्तान का अपना DTH आ जाएगा। ममनुआ चैनल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। गैर कानूनी आलात हॉल रोड मार्केट में भी हुए तो फौरी एक्शन होगा। तमाम केबल ऑपरेटर्स गैर कानूनी DTH का इस्तेमाल तर्क कर दें। और लाहौर एयरपोर्ट पर मुनशियात स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी गई। ANF के कार्गो पर दौरान तलाशी कार्रवाई। बैरून मुल्क भिजवाने के लिए बुक कराए गए पार्सल से हेरोइन बरामद कर लिया। ANF हुक्काम कहते हैं बहावलपुर के बेजाद इकबाल ने लंदन में शाजी अहमद के नाम पार्सल बुक कराया।